this is nothing but one graph which we are going to plot angle of incidence versus angle of deviation. So see here, I am taking on x-axis angle of incidence, and on y-axis I am taking angle of deviation, that is delta, and here it is I, that is angle of deviation. If we will plot graph, we will get graph something like this. Okay, and this one is what? Angle of minimum deviation, delta minimum. Yes, no? Obviously, this one is what? Delta maximum, है ना? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपको? Delta. सही है ना? In between range. And this is what I is. This is what I versus delta curve. And next one is condition for maximum deviation. कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन क्या है? चलो देखेंगे. कल तो हमने देखा है ना मिनिमम डेविएशन का. अब देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन. Yes, condition for maximum deviation. Minimum deviation का हमने देखा है ना, mu is equal to क्या है, sin a plus delta by 2 by sin a by 2. अब ये जो maximum deviation है, इसका मतलब क्या है कि जो ray है वो मैक्सिमम कितना डेविएट हो सकता है और उसके लिए कंडीशन क्या हम यूज करेंगे. ओके, उसके लिए मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं. आप जरा ध्यान से देखो, हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट डायग्राम फॉर दिस. सो हियर इज अ प्रिज्म. And now, maximum angle of incidence is what, Ray? 90 degree. What is the maximum angle of incidence? 90 degree, hai ki nahi? Aap yahan pe dekh sakte ho. Ye jo angle ban raha hai ab, ye kitna ban raha hai? 90 degree. To yahan pe angle of incidence kitna hoga? 90 degree. Yes, pi by 2. Yes, yes, right. तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है. अब ये रे रिफ्रैक्ट होगा कुछ ऐसे, है ना, और उसके बाद ये इमर्ज हो जाएगा समथिंग लाइक दिस. ओके, और अब अगर मैं यहां पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करूं यहां पे, तो ये बन जाता है एंगल ऑफ डेविएशन कहां पे, मैक्सिमम, ये और ये इसके बीच में. ये तो एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा. और ये दोनों और ये जहां पे मीट होंगे वो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो कि मैक्सिमम है. इसके लिए क्या कंडीशन यूज करना है? डेल्टा मैक्सिमम इज इक्वल टू 90 प्लस ई माइनस ए. आपको पता है ना ये डेल्टा मैक्सिमम, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है रे? आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू और माइनस ए. जस्ट व्हाट आई डिड, आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड आई वैल्यू. यस और नो? और एल्स शैल आई राइट वन मोर टाइम इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. सी हियर, डेल्टा मैक्सिमम हमने एक फॉर्मूला देखा था, आई प्लस ई माइनस ए. पीछे देखो, अगर आपको याद है नोटबुक में हमने देखा था
तो डेल्टा मैक्सिमम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे 90 प्लस ई माइनस ए, बस आई जो है वो हम कितना ले रहे हैं 90, दैट्स इट, दैट इज व्हाट मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, अंडरस्टूड, दिस इज फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन. और अगर आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस डायरेक्ट चाहिए, ये फॉर्मूला का एक्सप्रेशन हमें नहीं चाहिए, अकबर एक बार देख लो बस, E इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ऑफ ए माइनस थीटा सी, ए माइनस थीटा सी अगर याद रहता है तो रखो, म्यू इंटू साइन ए माइनस थीटा सी. ये एक्सप्रेशन कैसे आता है, इसके लिए आपको यहां पे स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा. ओके, और उसके बाद आप कर सकते हो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री करके आपको आएगा, ज्यादा डिटेल में मतलब इसका एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्मूला याद रखो. ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप ये इस गिवन कंडीशन से ये फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज नॉट एट ऑल बिग डील. ओके, जैसे कि अपना स्नेल्स लॉ है ना, सेम बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, दैट्स इट. ठीक है, दिस इज व्हाट कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन. राइट, अब यहां पे जो थीटा सी है, यहां पे जो थीटा सी है वो है क्रिटिकल एंगल. ये जो थीटा सी है वो है क्रिटिकल एंगल. अब ये जो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूं ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए. थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल. सो दैट बिकॉज नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, व्हेन वी आर इंसिडेंटिंग लाइट इनटू द प्रिज्म, लाइट विल नॉट कम आउट ऑफ द प्रिज्म, दैट कंडीशन इज कॉल्ड नो इमर्जेंस. गेटिंग माई पॉइंट, एक बार फिर से सुनो, एक कंडीशन ऐसी है अगर हम प्रिज्म के एक फेस पे लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो लाइट बाहर नहीं आती है. समझ में आया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड नो एमर्जेंस. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट कंसेप्ट वी शुड नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल. ओके, हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसके लिए चलो अब उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा सी. ओके, ये लो प्रीवियस पेज. हो गया, राइट. अब देखो क्रिटिकल एंगल, ये हम जनरली कभी कभी आप आईसी और आप इसको थीटा सी और एल समटाइम्स कुछ लोग सी से भी डिनोट करते हैं. डिनोशन इज नॉट एट ऑल द इशू, यू कैन डिनोट द वे यू वांट, आईसी और थीटा सी और सी. ठीक है, बट व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल. सो फॉर दैट it is very easy. For that I want to draw one diagram. So see here, now this is a denser medium and above black one, or else shall I take another color? Okay, I am taking this yellow one. Okay, so that you will understand how many mediums are there now. Two mediums are there. Okay, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो है वो है डेंसर मीडियम. कौन सा मीडियम है ये, डेंसर. और ये वाला मीडियम कौन सा है, रेयरर मीडियम. ठीक है, डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम. अगेन यू वांट प्रीवियस पेज, टू मीडियम. सर ये क्या है, टू मीडियम्स बोलना है. ओके, हाँ ये ले लो पहला पेज, जिसको चाहिए वो जल्दी ले लो. हो गया,
यस। अब देखो, एक है डेंसर मीडियम, एक है रेयरर मीडियम। नाउ आई एम इंसिडेंटिंग लाइट फ्रॉम दिस मीडियम। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट ओ। व्हाट इज दिस पॉइंट? ओ। अब ये जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे? म्यू वन लेंगे, ठीक है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेता हूं मैं म्यू टू, ठीक है। राइट। नाउ लाइट, आई एम इंसिडेंटिंग लाइट, तो पहला जो रे है वो सीधा निकल रहा है, देखो। नेक्स्ट रे इफ इट इज मेकिंग सम एंगल, इट इज जस्ट bending away from the normal, yes no, right? तो ये क्या के ऊपर एरो भी डालेंगे ना, या ऐसे बेंड हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो तीसरा रे आ रहा है, ये रे अब क्या करेगा? ऐसे इंटरफेस हो जाएगा, ये मीडियम को दोनों ऐसे ग्रेजिंग जाएगा। और इसके बाद अगर इससे भी ज्यादा कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंसिडेंट करते हैं यहाँ पे, तो ये रे हो जाता है रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं एरो डाल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। ध्यान से सुनो, कोई गड़बड़ नहीं है, टाइम ले लो। अब यहां पे मैं कुछ नॉर्मल डालता हूं, ये वाला मेरा पहला नॉर्मल है, यस। ये वाला मेरा दूसरा नॉर्मल है और ये वाला मेरा तीसरा नॉर्मल है, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूं, क्या नाम देंगे बोलो? मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। ये जो पॉइंट दे है ना मैंने, यस। और ये नॉर्मल का नाम है यम, इसको यन, इसको ओ, ठीक है। हाँ, अब यहां पे ये जो एंगल है इसे मैं बोलता हूं आई वन और ये मैं बोलता हूं आर वन। ये जो एंगल है इसे मैं बोलूंगा थीटा सी और यहां पे एंगल कितना है? रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री, है ना। और ये जो आई टू है, अब यहां पे ये ग्रेटर देन क्या है? क्रिटिकल एंगल। और ये जो आपको मिल रहा है यहां पे, ये वाला एंगल, ये मैं मानता हूं आर टू, ठीक है। क्लियर है डायग्राम में? कोई डाउट? यस, एनी डाउट इन द डायग्राम? ओके, अब चलो इसका डेफिनेशन पहले सुनते हैं। डेफिनेशन क्या है क्रिटिकल एंगल का? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल? सर प्लीज, क्या सर प्लीज क्या है? आगे बोलो सर, वंस एक्सप्लेन अगेन। ओके ओके, हाँ राइट राइट ओके। अब देखो, ये मैं एक पॉइंटर यूज कर रहा हूं, ये डेंसर, दिस इज अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज अ रेयरर मीडियम। फर्स्ट लाइट रे इज गोइंग स्ट्रेट, व्हाई? बिकॉज इट इज इंसिडेंट नॉर्मली, सो इट विल गो अनडेविएटेड। Now next second ray is there now, this is little bit bent and that's why it will go away from the normal when it is entering into the rarer medium. Angle of incidence I1, angle of refraction R1. Suppose now again little bit big angle is there, that is theta C, then at this angle your angle of refraction is exactly 90 degree in a rarer medium. And beyond this critical angle, if you are incidenting the ray, the light ray will come back into the same medium. Is that clear? Understood the diagram? Yes. तो यहां पे O point दो हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसको एक change करता हूं, MNP करता हूं इसको, ठीक है।
क्योंकि वो हमने अभी यहाँ पे लिया है ऑलरेडी. यस अंडरस्टूड राइट ओके. हाँ तो पहले क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या है देखो, बहुत इजी है. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम angle of incidence in a denser medium for which angle of refraction is 90 degree in a denser medium. Koi doubt? Understand what is the definition of critical angle? Clear? Angle of incidence in the denser medium. यहाँ पे देखो, ये जो मैं pointer दिखा रहा हूँ, यहाँ पे angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction is 90 degrees called critical angle. Understood? Right. अब देखो at point C, ये जो next topic मैं ले रहा हूँ, relation between नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर ही, रिलेशन बिटवीन थीटा सी दैट इज क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसमें किसमें का रिलेशन देखना है हमें, हाँ 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 यहाँ पे रेरर मीडियम लिखना है. राइट राइट राइट, ये रेरर मीडियम लिखो. यस राइट, यहां पे रेरर मीडियम आना चाहिए, है ना. यस ओके. अब ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेरर मीडियम. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन द रेरर मीडियम, दैट इज व्हाट यूर क्रिटिकल एंगल. यस ओके. तो आप देखो रिलेशन बिटवीन थीटा सी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी, कहां पे यूज कर रहा हूं मैं, एट पॉइंट सी पे, यहां पे. तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन ऑफ थीटा सी is equal to mu 2 sin of 90, है ना, mu 1 sin of theta c is equal to mu 2 sin of 90. अब यहां पे देखो mu 1 हमें पता नहीं है, mu 2 we don't know, sin 90 is 1. तो अब क्या करूं मैं, यहां पे डायरेक्ट लिख दूं sin of theta c is equal to म्यू टू बाई म्यू वन, एंड इफ यू वॉन्ट क्रिटिकल एंगल थीटा सी देन इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू बाई म्यू वन. क्लियर है, अंडरस्टूड? चेक करो एक बार, ऊपर लिखते समय गलती हो सकता है, चेक करो एक बार, चेक करो. ये स्क्रीन पे लिखने नीचे देख के ना, ऊपर दिख के लिखना पड़ता है, एक बार चेक करो. यस सही है. समटाइम्स आई विल से राइट, समटाइम्स व्हाइल राइटिंग हाँ देयर में भी हियर एंड देयर. हाँ ओके क्लियर है राइट ओके. तो अब देखो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन तो मिल गया. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, what is the total internal reflection? Yes, so next jo hai wo hai total internal reflection.
Total internal reflection, short form is what? TIR. Short form is what? TIR, total internal reflection. अब देखो, if इसको थोड़ा कलर चेंज करेंगे, हाँ येलो, if angle of incidence in a denser medium is greater than critical angle then ray reflects back into the same medium. This phenomena is called, क्या बोलेंगे इसको, बोलो, this phenomena is called total internal reflection. Yes, TIR, total internal reflection. In a diagram, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां पे है, देखो यहां पे, इन डायग्राम एट पॉइंट सी है ना, एट पॉइंट डी TIR takes place. सही है ना, देखो आप डायग्राम में, एट पॉइंट डी यहां पे दिख रहा है क्या, पॉइंट डी, यस, एट पॉइंट डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एंड क्रिटिकल एंगल कहां पे है, पॉइंट सी पे, ठीक है, राइट, यस, अंडरस्टूड, क्लियर है ये, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको चाहिए वो, हो गया, यस, ओके, yes, in the rainbow we can observe this total internal reflection. Yes, you are right. Even in mirage also some phenomena are there that are because of this total internal reflection only. ठीक है, क्लियर है, राइट, आगे बढ़ेंगे, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं,
next one is condition for total internal reflection. इसके लिए conditions क्या क्या है? Yes, in water drop. Yes, if you want that rainbow, ये देखो ये rainbow का drop है समझो, तो क्या होता है जब light आती है ना, ये हम पढ़ेंगे आगे भी, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, ये light आ रही है ना, तो अब ये ऐसे bend हो जाएगी, फिर से एक बार bend हो जाएगी, ठीक है नहीं? एक बार, उसके बाद फिर से यहाँ पे bend हो जाएगी और ये ऐसे बाहर आ जाएगी, और इस दोनों के बीच में आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, बहुत सारे मतलब विव जार, बहुत सारे का मतलब सारे कलर, मतलब कितने होते हैं है ना, विव जार, ये सारे कलर इसमें मिलेंगे आपको। आप देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये सेकेंडरी रेनबो में होता है। ये सेवन क्या है? हाँ सेवन कलर्स, यस हाँ यस। और एक रहता है प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो में ओनली वन टाइम रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप देखोगे समझो ये ऐसे कुछ है, दिस इज अ रेन ड्रॉप एंड जस्ट वन टाइम ये आएगा, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा, बाद में एक बार इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये ऐसे रे आ जाएंगे यहाँ पे। इन दोनों के बीच में आपको सारे कलर मिल जाएंगे, ये है आपका प्राइमरी रेनबो। ये हम बाद में पढ़ेंगे कंसेप्ट्स में और फेनोमेना में। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से, तो आपको ये सारे सेवन कलर्स यहाँ पे दिख जाएंगे इन बीच, दैट इज व्हाट प्राइमरी रेनबो। ये आगे हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, यस यस। तो अब देखो कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशंस फॉर TIR। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? पहला नंबर कंडीशन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, एंड सेकंड कंडीशन, रे शुड बी इंसिडेंट, रे शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम, फ्रॉम डेंसर मीडियम नॉट फ्रॉम द रेयर मीडियम। ओके, रे शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम टेंसर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, यस। अब इसके बाद अगर हम कंडीशन ऑफ प्रिज्म की बात करेंगे, अब चलो प्रिज्म की तरफ आते हैं। दिस पार्ट फिनिश नो, अंडरस्टूड? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑल क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें पूछ सकता है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। हो गया आप राइट? ओके, अब देखो कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस इन द प्रिज्म क्या होता है, ये हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट लेट्स कम बैक टू द आवर प्रिज्म पॉइंट। कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस, कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस means definitely total internal reflection takes place, that is also in prism only. Let's come back to the prism, theek hai? Yes, to ab dekho yahan pe ek prism draw kar raha hu, like
like this. And if I'm incidenting a light ray like this, then it will refract and then it should not come out. It should be here only somewhere because it is going to reflect internally. Say, na? It should reflect internally. अब यहां पे मेरे पास एक नॉर्मल है ये वाला यस और उसके बाद ये भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एंगल मेजर करने के लिए राइट नाउ दिस एंगल इज एंगल आई वन देन दिस एंगल इज व्हाट आर वन दिस एंगल इज आर टू है ना यस And this prism is A, B, C. Yes. अब ऐसे situation में, in this case, if you want to obtain this type of condition, then angle A should be greater than first condition. You see, angle A should be greater than two times critical angle. Okay. And second one. Refractive index should be greater than 1 by sin a by 2. ये दो कंडीशन हमें ऑब्टेन करने हैं तो ही क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर्म हो मीन्स ऑप्टेन हो जाएगा है ना थीटा सी क्या है क्रिटिकल एंगल तो ये जो सारे एक्सप्रेशनल फॉर्मूलाज है ये कैसे आते हैं बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ आप खुद भी डिराइव कर सकते हो यू विल गेट दिस थिंग्स राइट अब आगे चलते हैं आपको मैं एक डिराइव करके बताता हूं एक कंडीशन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये बस फॉर्मूलाज याद रखो एक कंडीशन मैं आपको डिराइव करके बताता हूं राइट देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज ओके ये वाली कंडीशन मैं डिराइव कर रहा हूं नेक्स्ट वाली कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इंटर फिनिश नो दिस वन एवरीवन फिनिश्ड Yes, sir. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस ग्रेजिंग मतलब रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे है वो दूसरे सरफेस को ऐसे टच करके जाता है मैं एक डायग्राम दिखाता हूं आपको आपको समझ में आएगा ग्रेजिंग मतलब क्या जैसे रिफ्रैक्शन में हमने देखा था देखो रिफ्लेक्शन में देखा था है ना एक कॉनकेव टाइप ऑफ मिरर मैंने लिया था और उसमें मैंने दिखाया था ग्रेजिंग इंसिडेंस एंड इन दैट केस वी हैव फाउंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन ऑल्सो राइट याद है या नहीं है ये इंसिडेंट रे आ रहा है देन दिस विल गेट रिफ्रैक्टेड एंड देन दिस इज ग्रेजिंग ग्रेजिंग मीन्स ऐसे जाएगा देखो एक बार दिख रहा है क्या ऐसे आया फिर उसके बाद ऐसे गया और अभी ऐसे ग्रेज करके जा रहा है इसको प्रिज्म को प्रिज्म के दूसरे सरफेस को यस और यहां पे मैं कुछ नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं ये वाला एक नॉर्मल है और ये वाला एक नॉर्मल है राइट अब ये जो प्रिज्म है ये एंगल है ए दिस इज बी एंड दिस इज सी ये एंगल आई वन ये वाला एंगल आर वन ये वाला एंगल आर टू और ये कितना होगा परपेंडिकुलर है ना ये तो E इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री सही है ना इस फेस को परपेंडिकुलर रहता है ना ये नॉर्मल तो E इज इक्वल टू 90 डिग्री कुछ डाउट इसमें आप बोल सकते हो कुछ डाउट है तो बोलो तो अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट देता हूं दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट M दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट N ये जो दो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किए हैं दिख रहा है क्या ये वाला और ये वाला M एंड N आई एम गिविंग नेम
Now, can I say at point N, ध्यान से सुनो डायग्राम और ध्यान से देखो डायग्राम को, at point N, R2 is equal to theta C. Can I write like this? Can I write like this? Check it once. Whatever I wrote, is it correct? Yes or no? है कि नहीं? R2 critical angle, क्योंकि angle of refraction आप देखो क्या होता है, angle of refraction क्या है, 90 degree है ना rarer medium में, इसीलिए उसको मैं मानता हूं critical angle. आप इसको C भी बोल सकते हो, theta C भी बोल सकते हो, choice is yours, right? Given क्या है देखो, E दिया है अपने को, कितना है, E is 90 degree. उसके बाद R2 already I wrote, that is theta C. And A is equal to R1 plus R2. ये तो अपने को मालूम है ना? So therefore A is equal to R1 plus C. A is equal to R1 plus C. Right है? या तो theta C ले लो. आपको theta C चाहिए? तो theta C ले लो. ठीक है? क्योंकि ये R2 तो critical angle है. Yes. अब देखो at face AB. और एट पॉइंट यम यूजिंग स्नेल्स लॉ कहां पे यूज करना है, पॉइंट यम पे. तो देखो ये जो है म्यू ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ आई वन इज इक्वल टू, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैं लेता हूं म्यू, जो कि मीडियम का है, ये वाला प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू इनटू साइन ऑफ आर वन. एग्री एवरीवन? एग्री? यस. अब यहां पे म्यू ऑफ एयर तो वन रहेगा, तो इसलिए साइन ऑफ आई वन इज इक्वल टू म्यू इनटू आर वन, क्या होगा, ए माइनस थीटा सी, है ना? यहां से अगर हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या बन जाएगी, A माइनस थीटा C. सही है? यस. कैन आई राइट लाइक दिस? चेक इट. ये थीटा C इधर गया तो A माइनस थीटा C. तो देयरफॉर म्यू इनटू साइन ऑफ A माइनस थीटा C. ठीक है, साइन I इज इक्वल टू म्यू इनटू साइन ऑफ A माइनस थीटा C. अब यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मैथमेटिक्स. अब देखो यहां पे साइन ऑफ आई वन इज इक्वल टू म्यू इनटू साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो, साइन ए कॉस थीटा सी, है ना, माइनस कॉस थीटा सी साइन ए. सही है क्या? चेक करो. यस, कोई डाउट? यस और नो? चेक करो एक बार सब लोग. यस, रॉन्ग कौन बोल रहा है, कहां पे रे अमोग, क्या डाउट है तुम्हें अमोग, बोलो. आई रोट बोथ सेम. हाँ, यस. वन मिनट. यहां पे साइन ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए ना. हाँ हाँ, यस, यू आर राइट. अब देखो यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन थीटा सी. अब ठीक है ना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, राइट, है ना? चेक करो एक बार. ओके नाउ. यस, ओके.
यस राइट ओके। अब देखो ये म्यू आ गया, ये साइन ए इधर आ गया, यस इसको मैं ब्रैकेट लेता हूं, कॉस थीटा सी के जगह पे क्या मैं ऐसे लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो अंडर रूट मैं लेता हूं इसको, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, एक बार चेक करो क्या हुआ, यू साइन ए माइनस थीटा सी, क्या है ये, अरे वो तो हो गया, कभी कभी कुछ मैसेजेस लेट आते हैं, हाँ ठीक है अब ये ठीक है ना, माइनस ये जो कॉस ए और साइन सी है वैसे रखता हूं, कॉस ए इंटू साइन ऑफ थीटा सी, यस अब चेक करो सही है, साइन आई वन वैल्यू ओके, साइन आई वन वैल्यू क्या, हाँ हाँ वो तो हो गया रे, एक बार देखो रे ये एक बार नीचे, हाँ सही है ना, ठीक है ओके। अब इसके बाद देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे साइन सी हमें कुछ रिलेशन आया है, साइन सी का मतलब क्रिटिकल एंगल का, म्यू टू बाय म्यू वन हमने देखा है, देखो है ना, देखा है क्या एक रिलेशन क्रिटिकल एंगल का, अगर हम यहाँ पे देखें पॉइंट एन को, पॉइंट एन पे आप एक बार इधर देखो, मैं आपको दिखाता हूं कैसे आता है रिलेशन, एट पॉइंट एन देखो, देखो सब लोग देखो, एट पॉइंट एन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर ऑफ साइन ऑफ 90 and therefore sine of theta c is equal to 1 by mu, ये जो मैंने लिखा है एक बार चेक करो क्या है, देखो समझ में आया, ये जो मैंने अभी बोला है वो देखो एक बार, जो यहाँ पे किया था at point n को चेक करो, एट पॉइंट एन मतलब यहाँ पे ये देखो आर टू तो अपना क्रिटिकल एंगल है ना, आर टू मतलब क्रिटिकल एंगल है, तो ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म, यहाँ पे म्यू म्यू साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू ए साइन 90, साइन 90 वन हो जाएगा, म्यू ए भी वन है तो दोनों वन वन, ये म्यू इधर आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा सी इज इक्वल टू वन बाय म्यू, चेक करो सही है राइट। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ ना, तो देखो अब ये साइन आई वन या तो फिर साइन आई जो भी है, साइन आई वन लिया है ना, तो साइन आई वन ही रहने दो, आई वन इज इक्वल टू म्यू इन टू साइन ऑफ ए, हाँ यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा सी है ना, तो क्या मैं अंडर रूट ऐसे लिख सकता हूं, वन माइनस वन बाय म्यू स्क्वायर है कि नहीं, वन बाय म्यू स्क्वायर, चेक करो क्या लिखा है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, और इसके बाद ये कॉस ए एज इट इज, और इसके बाद ये साइन थीटा सी पे वन बाय म्यू, यस अब देखो राइट ये मैं ऊपर देख के लिखता हूं, आप एक बार फिर से चेक करके बोलो मुझे, हाँ चेक करो, चेक करते रहो, साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू साइन ए अंडर रूट वन माइनस वन बाय म्यू स्क्वायर वन माइनस कॉस ए बाय वन बाय म्यू, मैंने बस साइन थीटा सी का वैल्यू लगाया है, I just kept sin theta c value, right? Okay. अब इसके बाद mu into this is sin a, और इसको हम LCM लेंगे तो क्या होगा, mu square minus one divided by mu square minus cos a into one by mu. Okay. अब इसको बाहर निकालेंगे, क्या मैं अब दोनों से, ये देखो ये स्क्वायर रूट के बाहर आया तो म्यू होता, ये भी म्यू बाहर लेता हूं,
और अब ये म्यू और ये म्यू, समझ में आया ना मैंने क्या किया है, है कि नहीं, समझ में आ रहा है मैंने एक स्टेप क्या किया है, देखो एक बार, साइन ए अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉस ए, जो ये म्यू था इसको मैं थोड़ा सा कलर लेता हूं, थोड़ा सा कुछ तो आपको समझने के लिए, ये और ये मैंने बाहर ले लिया, ये स्क्वायर रूट के बाहर था इसलिए म्यू हो जाएगा वन बाय म्यू, और ये भी वन बाय म्यू चले गया, तो अब ये कैंसिल करता हूं राइट, और अब आगे क्या होगा देखो हमें फॉर्मूला क्या आ रहा है, तो अब आ रहा है साइन आई वन का फॉर्मूला ये, तो इसका मतलब है अब अगर मुझे आई वन चाहिए आई वन, तो आई वन क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस कंप्लीट, साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, कोई भी मीडियम रहने दो, माइनस कॉस ऑफ ए, मतलब प्रिज्म किससे भी बनने दो, अगर उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट कर सकते हो, जिसके लिए वो जो रे है वो ग्रेज हो जाए, अंडरस्टैंड। देखो कितना अच्छा है ये, है ना, बहुत बड़ा है ना, मैथमेटिक्स थोड़ा सा इजी है लेकिन मैथमेटिक्स से थोड़ा सा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट, बस आपको ये डिराइवेशन कोई नहीं डिराइव करने को बोलेगा, नो वन विल आस्क यू टू डिराइव दिस, जस्ट दिस फॉर्मूला यू कीप इट इन माइंड, जैसे पीछे भी कुछ फॉर्मूलाज है वो याद रखो, ठीक है। कैन यू शो वंस थर्ड पेज, ये लो हो गया, ओके यहां पे देखो ये जो है ये आप एक बार देखो, बहुत इजी है ना, बस आपको ये ऐसे वाले आपको डिराइव करने को आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही कुछ एप्लीकेटिव पूछता है वो, तो हमेशा आपको एप्लीकेटिव करना आना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो कल के क्लास में हम थिन प्रिज्म देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट, ओके, देन लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे, बाय, थैंक यू सर।